शांति कुंज हरिद्वार आजकल सुर्खियों में है। दिल्ली के निर्भया मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाली समाज सेविका योगिता भयाना ने यहां के प्रमुख पर छत्तीसगढ़ की एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगिता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बताया कि छत्तीसगढ़ की इस युवती के साथ 2010 में दुष्कर्म हुआ था। तब वो नाबालिग थी। उस दौरान वह शांति कुंज प्रमुख की सेवा कार्य में रहती थी। इसी साल 5 मई को दिल्ली के विवेक विहार थाने में शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी शैल बाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पीड़िता ने हरिद्वार पहुंचकर न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस ने भी पीड़िता को साथ लेकर मामले की पड़ताल की, लेकिन आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। योगिता का ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री के पुत्र द्वारा शांति प्रमुख का केस लड़ने के फैसले के बाद से अब बराबर उसको धमकियां मिल रही हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। योगिता ने इस मामले की केंद्र सरकार से सीबीआई जांच करने की मांग की है। पीड़िता की ओर से उनके वकील चेतन सिंह और परिवार के सदस्य मनमोहन सिंह मौजूद थे। प्रणव पंड्या जी की पत्नी का काम है उनको डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के पास कॉफी लेके भेजना, यह डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की पत्नी का काम है। तो अगर डॉक्टर प्रणव पंड्या किसी लड़के के साथ दुराचार करते हैं और उनकी पत्नी उन लड़कियों को उनके पास भेजती है, तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट है कि इस काम में उनका अप्रत्यक्ष सहयोग है। 5 मई के बाद से अब तक पूरे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल लीजिए कि वहां मदन कौशिक जी और उनसे जुड़े लोग कितनी बार आए हैं, उनकी गाड़ियां कितनी बार आई हैं, कितने कितने देर रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा प्रमाण आपको सीसीटीवी कैमरों में मिल जाएगा। एक मिनिस्टर बलात्कार के आरोपी के घर घंटों घंटों बिता रहा हो, आप उद्देश्य समझ सकते हैं। उससे आगे की बात मैं कहूंगा कि एक मंत्री का बेटा जो लॉयर है वो बलात्कार के आरोपी के मुकदमे में वकील के समूह में उस व्यक्ति का नाम है, उस लायर का नाम है। अब आप समझ सकते हैं इससे तो स्पष्ट है, श्रम करवाया है, उनसे रात दिन काम करवाया है, उनको जिसके लिए लाए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने के लिए, संस्कार देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं किया। और दुराचार जो हुआ वो तो आप सभी के सामने है। नाबालिग बेटियों को रखने के साथ ये भी जानना जरूरी है कि नाबालिग बेटियां उन क्षेत्रों की रखी गई जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आपका उड़ीसा है, जो आप उनके कलेक्टर्स को खंगालिए, वो बेचारे नहीं बोल पाते हैं, उनकी स्थिति नहीं है कि अपनी आवाज उठा पाए। लेकिन एक बेटी को अगर भगवान ने ताकत दी है तो हमको सबको उसकी आवाज बननी चाहिए। दिल्ली के विवेक विहार थाने के अंदर इसको 5 मई को दर्ज करवाएंगे। अब 0 FIR के बाद हमने देखा कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कार्रवाई करी, लेकिन जो कार्रवाई जो एक एक्यूज पे करनी चाहिए थी वो विक्टिम के ऊपर होगी। इसको कार्रवाई को मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि वॉइस सैंपलिंग के लिए सबसे पहले विक्टिम को बुलाया गया, जबकि एक्यूज को बुलाना चाहिए था पूरे सबूत होते हुए। तो अब देखिए, उसके लिए हमने माननीय हाई कोर्ट के ऊपर भी लगाया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हमने उनको गुजारिश करी है कि जो एक्यूज हैं उनकी वॉइस सैंपलिंग के लिए, ताकि फॉरेंसिक लैब में जाके उनकी वॉइस सैंपलिंग टेस्ट हो सके, उसके लिए एप्लीकेशन लगाई गई। देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।